शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के शहर प्रमुख गजानन जाधव ने 30 मई को पानी की टंकी के सामने भूख हड़ताल शुरू की ताकि शहर के लोगों को 20 में पानी की आपूर्ति हो सके। स्थानीय नगर पालिका की ओर से 25 दिनों तक आपूर्ति की उम्मीद है। इसके लिए मार्च के अंतिम माह में पार्टी की ओर से धरना भी दिया गया था। विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शहर में जलापूर्ति नियमित की जाएगी। वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। लोनार शहर वासियों के लिए पानी की समस्या बहुत ही गंभीर विषय है। 18 मई को शिवसेना पार्टी ने 25 मई तक मामले को निपटाने के लिए भूख हड़ताल का बयान भी दिया था। हमने भी ये बयान दिया कि हम नगर परिषद कार्यालय लोनार के सामने आमरण अनशन करने जा रहे थे, क्योंकि मुख्य मजिस्ट्रेट ने हमारे बयान को गंभीरता से नहीं लिया। चूंकि नगर परिषद कार्यालय गांव से दूर है, इसलिए आमरण अनशन 29 मई को सोमवार दोपहर 3 बजे से नगर परिषद अंतर्गत मंथा रोड स्थित पानी टंकी के सामने शुरू हो गया। उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह के शहर प्रमुख गजानन जाधव, युवा सेना के शहर प्रमुख श्रीकांत मदनकर, कैलाश आम्बोरे के साथ हर 2 से 3 दिनों में पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। नमस्कार, मैं गजानन जाधव लोनार मंठा बायपास पिण्याच्या पाण्याकरता उपोषण करत आहे। सर्वसामान्य जनतेला कळावं की आम्हाला खरी गोष्ट काय हे कळणार नाही करता। ज्यावेळेस आपल्याला जुनी टाकी होती किंवा जुनी पाईपलाईन होती त्यावेळेस पाणी 10 दिवशी शासनानं मंजूर केलेल्या 65 लाख रुपये मंजूर करून 6 लाख लिटरची 5 टक्के आपल्या लोणार शहराला निधी म्हणून दिलेला आहे। त्या निधीमध्ये पूर्ण उपयोग करून 5 टाकीसुद्धा बांधण्यात आली। 5 टाके बांधल्यानंतर असं गृहित धरलं गेलं होतं की 10 दिवशी पाणी 6 दिवशी, परंतु या नगरपालिका कर्मचारी किंवा त्या विभागात इंजिनियर याच्या नियोजित शून्य कारभारामुळं टाकीचं बांधकाम हे काय अंशी तरी दोष म्हणजे त्यामध्ये उंची कमी करणं किंवा काय पाईपलाईनचे काही दोष असेल ते झाल्यामुळं पूर्णपणे 65 लाख हे पाण्यात गेल्यासारखे झाले। या 6 लाख लिटर पाण्याच्या टाकीमध्ये जर ती व्यवस्थित झाली असती तर आपल्याला 6व्या दिवशी किंवा 8 दिवशी पाणी आलं असतं, पण ते न झाल्यामुळं आज जे आपल्याला सुरुवात 10व्या दिवशी पाणी यायचं ते पाणी 20व्या दिवशी गेलं, कारण त्या टाकीवर पाणी खाली उतरत नाही। याचं कारण विचारणा करता आम्ही या ठिकाणी वारंवार आंदोलनं केली, पण त्याचं कारण शिवोही देऊ शकलं नाही, इंजिनियर देऊ शकलं नाही। त्यामुळं हे कारण जनतेला कळावं म्हणून आम्ही या ठिकाणी आमरण उपोषण करत आहे। तर आम्ही आशा करतो की आम्ही जनतेनं सहकार्य करावं। NBC News के लिए लोनार से शेख समद की रिपोर्ट।